वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पावर प्लांट ज्ञानी। टुडे वी डिस्कस अबाउट ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू पावर प्लांट एग्जामिनेशंस। दोस्तों आपको पता ही होगा कि पिछले मंथ छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ बॉयलर्स ने क्या है एक नोटिफिकेशन निकाला था, जो कि 15 मार्च को निकाला था। तो उस नोटिफिकेशन में क्या था कि उन्होंने जो बॉयलर फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और इवन BOE के लिए एग्ज़ाम फॉर्म्स उन्होंने रिक्वेस्ट किए थे आप लोगों से। तो दोस्तों अब क्या है उन लोगों के लिए एक कुछ खबरी है, क्योंकि देखा जाए तो इससे पहले जो मैंने वीडियो एक शूट किया था रिगार्डिंग दिस एग्जामिनेशंस, उसमें मैंने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि इस एग्ज़ाम्स की क्या है डेट एक्सटेंड हो जाएंगी। दोस्तों आपके लिए यही खुशखबरी है कि जो लोग बॉयलर फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास इवन BOE एग्ज़ाम्स देने के लिए जो एग्ज़ाम फिलिंग प्रोसेस में लगे हुए थे, यदि कहीं पे कोई उनके व्यवधान आ गया है, कोई रुकावट आ गई थी जिसकी वजह से, टाइम ड्यूरेशन की वजह से वो उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, तो दोस्तों उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि डेट ऑलरेडी एक्सटेंड होके 15 अप्रैल से ना होकर 30 अप्रैल हो गई है, कि आपको 30 अप्रैल तक का टाइम दिया जाएगा। तो ड्यूरिंग दिस क्या है, आप अपनी सारी जो एग्जाम फिलिंग प्रोसेस एक्टिविटीज़ हैं, यदि आपकी कोई पेंडिंग रह गई हो, इवन आपने कहीं से एक्सपेंस लेना हो या फिर किसी से एक्सपेंस वेरीफाई करवाना हो, एग्जामिनेशन जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो आपका नहीं बना हो, इस तरीके से यदि कोई भी आपकी त्रुटि रह गई है तो आप इस टाइम ड्यूरेशन में आप कंप्लीट कर सकते हो। तो दोस्तों यही एक खुशखबरी है आप लोगों की, क्योंकि ऑलरेडी मैंने अनाउंस भी कर दिया था कि इस एग्ज़ाम फिलिंग प्रोसेस की जो डेट्स है वो एक्सटेंड होंगी। तो दोस्तों ये तो थी आपके लिए एक खुशखबरी, लेकिन अब भी काफ़ी सारे लोगों के मेरे पास रिक्वेस्ट आ रहे हैं, काफ़ी सारी क्वेश्चनिंग आ रही है रिगार्डिंग एग्ज़ाम फिलिंग प्रोसेस कि सर हम बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं धीरे धीरे करके उनके लिए आपके बताता जाऊँगा कि क्या क्या आपको करना है, क्या 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 नहीं करना है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या है, सबसे जो बड़ा क्वेश्चन आ रहा है कि सर DD कहाँ से फिलअप करें, DD कहाँ से बनवाएं, क्योंकि जो हमारे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास भाई लोग हैं वो थोड़ा सा इवन एजुकेशन में थोड़े मिनिमम रह होते हैं, तो क्या है उनको ये चीज़ें नहीं पता होती। लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि जो छत्तीसगढ़ एग्ज़ाम्स के लिए आपको जो DD बनवाना है, जो चालान बनवाना है, वो आपको ऑनलाइन बनवाना है। तो दोस्तों जो ऑनलाइन बनेगा तो इसका मतलब आपको कोई वेबसाइट ब्राउज करनी है, आफ्टर दैट आपको वहाँ पे अपने डिटेल्स फिल करने हैं, डिटेल्स फिल करने के बाद आपको पे करना है और आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगा, वही उसको एग्जाम फिल के साथ अटैच करके आपको भेजना होता है। दोस्तों जो वेबसाइट है वो आपको बता देता हूँ और यहाँ पे भी मैं आपको मेंशन कर दूँगा कि इस वेबसाइट पे जाकर आपको अपना चालान बनवाना है। दोस्तों जो वेबसाइट है वो है www.ecourseonline.cg.nic.in। तो उसका मैं जो URL है मैं यहाँ पे भी दे दूँगा, इवन डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी आपको URL फॉरवर्ड कर दूँगा, आप वहाँ पे जाके क्या है उसको एक्सेस करके आप अपना जो चालान है आप उसको क्या है फिल कर सकते हो। तो दोस्तों उसमें कुछ ड्रॉप डाउन मेन्यूज होंगे, वहाँ पे आपको वही चीज़ें फिलअप करनी होगी। ड्रॉप डाउन मेन्यू आपको सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन देगा, क्योंकि अदर जैसे कि स्पोदर्ट की जो जब आप उसका पेमेंट करोगे तो जैसे कि विभाग हिंदी में होगा, विभाग में तो लेबर लिखना आपको, तो जिले का ड्रॉप डाउन मेन्यू होगा उसमें क्या लिखना आपको, 11 रायपुर, किस पर्पज़ के लिए एग्ज़ाम्स दे रहे हो आप, आपका जो क्या आपका नाम क्या है, तो इस तरीके से ड्रॉप डाउन मेन्यू में आएगा, आपको सेलेक्ट करना है, आफ्टर दैट आपको पेमेंट करना है। तो दोस्तों ये पेमेंट्स डिफरेंट होती है डिफरेंट कैंडिडेट के लिए, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो इसके साथ और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि जो जो आपका एज फैक्टर है, जैसे कि सेकंड क्लास के लिए क्या है 18 वर्ष है, इवन BOE के लिए 23 ईयर्स है। तो दोस्तों क्या है आपकी जो आयु है, जो आपकी एज है, वो कैलकुलेट होगी 1/1/2021 से। यदि आपको 1/1/2021 को आप कंप्लीट आपका एज फैक्टर कंप्लीट हो रहा है तो क्या है आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हो, यदि नहीं हो रहा है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट। तो दोस्तों इसके साथ और क्या रखना है कि जो आपका एक्सपेंस सर्टिफिकेट है,
जो आपका एक्सपेंस मान्य होगा वो इन्होंने स्ट्रिक्टली छत्तीसगढ़ बोर्ड ने बोला है कि जो व्यक्ति छत्तीसगढ़ के अंदर लगे बॉयलर पर ही काम किया होगा उसका वही एक्सपीरियंस एक्सपेंस रिलेटिव जो क्या बोलते हैं कि उसको एक्सपेंस वही काउंट होगा। कि यदि सपोज दैट कि मैं एक यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ कि सपोज दैट कि किसी ने एक साल पहले ही इन्होंने छत्तीसगढ़ में आके जॉब करना स्टार्ट शुरू किया है और लेकिन उसका एक्सपीरियंस मान लेते हैं कि 2 साल चाहिए लेकिन 1 साल क्या है उसने कहीं पीछे काम करके आया, लेकिन दोस्तों वो पीछे वाला एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा, वही एक्सपीरियंस काउंट होगा जो छत्तीसगढ़ में लगे बॉयलर्स के ऊपर उन्होंने काम किया है। तो इस तरीके से कोई भी कैंडिडेट हो प्लीज आप फॉर्म फिल करने की कोशिश ना करें क्योंकि सारी चीज़ें व्यर्थ जाएंगी, आपके समय जब कम व्यर्थ जाएगा, आपकी जो मनी है वो व्यर्थ जाएगी। तो सो दैट इस तरीके कोई कैंडिडेट हो तो प्लीज़ आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल ना करें। और क्या चीज़ें ध्यान देने की ज़रूरत है कि जैसे कि आप अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लोगे अपनी कंपनी से, वो आपके कंपनी के लेटर हेड पे होगा। यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहा है तो आपको कंपनी के लेटर हेड पे आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना होगा। और क्या है वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्लांट ऑनर और क्या बोलते हैं कि अदर कोई असिस्टेंट मैनेजर HOD किसी डिपार्टमेंट का आप उससे वेरीफाई करा सकते हो। आफ्टर दैट जो उसको वेरीफाई करवाना होगा आपको इवन एक तरीके से देखा जाए तो NOC लेना पड़ेगा। इवन जो आपके जो आपका बॉयलर इंस्पेक्टर है आपके एरिया का, एरिया बॉयलर्स को एरिया बॉयलर इंस्पेक्टर बोलते हैं, आप उससे वेरीफाई करा सकते हो या किसी मजिस्ट्रेट से भी क्या है वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वेरीफाई करा सकते हो। तो मैंडेटरी ये रहेगा कि आपका जो एरिया बॉयलर इंस्पेक्टर आप उससे वेरीफाई कराइएगा क्योंकि उसके ये सोच लो कि आप उससे वेरीफाई करा लेते हो अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो क्या है आपका बॉयलर या इवन एग्जाम फॉर्म में हल्की फुल्की भी कमी होगी तो आपका क्या है आपका रोल नंबर आ जाएगा और आप इस एग्ज़ाम में अपीयर कर सकते हो। और दोस्तों और चीज़ें भी जानने की ज़रूरत है वो जैसे कि आपको क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें लगाना है। दोस्तों सबसे पहले क्या है कि एक क्वेश्चन आ रहा था कि क्या हमें जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है क्या ओरिजिनल ही लगाना है। दोस्तों बिल्कुल आप जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाओगे वो सिर्फ वही क्योंकि उसमें मेंशन है कि भाई ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो छत्तीसगढ़ में बॉयलर एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है सिर्फ उसी के लिए है। तो अदर आप किसी अदर जगह इसको यूज नहीं कर सकते। सो दैट आपको क्या है ओरिजिनल ही आपको वहाँ पे जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है आपको सबमिट कराना पड़ेगा विद द एग्ज़ाम फॉर्म। और दोस्तों नेक्स्ट क्या है आपको जो एज आपका जो एज फैक्टर है एज फैक्टर के रिगार्डिंग आपको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करना है जैसे कि आपका जन्म प्रमाण पत्र है या फिर 10th की DMC है। तो वो ये दो दस्तावेज है जो कि आपकी एज को वेरीफाई कराएंगे। तो दोस्तों आपको जो जन्म प्रमाण पत्र है और आपकी जो 10th की जो DMC है आपको वो भी सेल्फ अटेस्टेड करा के क्या है आपको एग्ज़ाम फॉर्म के साथ सबमिट करनी होती है। और इसी के साथ क्या है जो आपके जो पासपोर्ट साइज़ है जो उन्होंने डायमेंशन दे रखा है 50x65 mm की 4 फोटो जिनके पीछे आपके सिग्नेचर होंगे आपको वो उसके साथ भेजने हैं जो कि 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो रहेंगे। और क्या है जो परीक्षा का मूल चालान है जो कि डिमांड ड्राफ्ट है जो कि आपने ऑनलाइन निकलवाया था आफ्टर एग्ज़ाम फीस पे करने के बाद वो आपको उसके साथ अटैच करके भेजने हैं। और जो मेडिकल सर्टिफिकेट है जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है जो कि आपने टोटल फॉर्म भरे होंगे उसके रिगार्डिंग जो भी अटैचमेंट्स हैं आपको सेल्फ साइन करके क्या है आपको एग्ज़ाम फॉर्म के साथ भेजनी होगी। और दोस्तों क्या है अभी एक काफ़ी सारे डाउट्स है लोगों के यदि दोस्तों BOE की बात करें कि उसमें 3 एग्ज़ाम है तीनों मैंडेटरी है देने के लिए। यदि कोई भी इनमें से एक एग्ज़ाम को भी छोड़ देता है तो वो उसको वाई वाइस में बिल्कुल भी इन्विटेशन नहीं मिलेगा। वाई में इन्विटेशन के लिए क्या है इन तीनों एग्ज़ाम्स में 45 मार्क्स
लेना मैंडेटरी है। यदि तीन में से भी किसी भी एक एग्ज़ाम पेपर में 45 से बिलो मार्क्स आए हैं तो यू आर नॉट एलिजिबल, आपको अब IOIS के लिए कोई भी इन्विटेशन नहीं आएगा। तो दोस्तों, और सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट बात और है कि जो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाओगे वो किसी भी सेम एक व्यक्ति से दो सिग्नेचर नहीं होने चाहिए। यदि दो सिग्नेचर होंगे तो एक व्यक्ति के क्या है वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये तो कुछ बातें थी जो कि आपको जाननी ज़रूरी थी ड्यूरिंग छत्तीसगढ़ बॉयलर एग्जामिनेशन फिलिंग प्रोसेस। तो दोस्तों, यदि आपका भी कोई इससे अलग कोई क्वेश्चन है, यदि आपको कहीं पे डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन हमें बता सकते हैं, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी, बस यही आप लोगों को एक खुशखबरी देनी थी क्योंकि छत्तीसगढ़ बॉयलर बोर्ड की एग्ज़ाम डेट है क्या है, एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग डेट क्या है, एक्सटेंड हो गई है 15 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल हो गई है। तो दोस्तों, यदि आप ही बॉयलर फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास या BUE करना चाहते हैं, दोस्तों आपके पास काफ़ी समय है, आज 11 तारीख हो चुकी है, इवन आपके पास 19 डे आपके पास है, तो दोस्तों आप बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि आपको इतनी ज़्यादा दौड़ भाग नहीं करनी होती, कहीं से कुछ अरेंज नहीं करना होता, सारी चीज़ें आपको वहीं पर मिलेगी, वहीं से अरेंज कराना है। दोस्तों, जल्दी कीजिए और इस मौके का ज़रूर बेनिफिट उठाइए इसे, क्योंकि बोलते हैं ना, क्योंकि कोई इंसान किसी एक्टिविटी में लगा होता है ड्यू टू द टाइम ड्यूरेशन क्या है वो कर नहीं पाता, लेकिन अभी क्या है टाइम ड्यूरेशन आपको मिल गया है। दोस्तों, इस मौके को जाने ना दें और एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करें और जल्दी से क्रैक करें इस एग्ज़ाम्स को और अपने कैरियर ग्रोथ का एक नई हाइक दीजिए। दोस्तों, इन्हीं गुड थाट्स के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। दोस्तों, एक फिर बात मिलेंगे टेक्निकल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि दोस्तों, यदि आप इस वीडियो के माध्यम से मुझे पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल्स, क्योंकि इस चैनल्स को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि मैं इस चैनल को पावर प्लांट ऑपरेशन और मेंटेनेंस से लेकर काफ़ी टेक्निकल वीडियो बनाता रहता हूँ जो कि आपके आने वाले करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।